और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है रमीज राजा शॉक्ड, रोहित शर्मा डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप 2023 हाईलाइट्स, पाकिस्तान रिएक्ट्स। क्या बात है रमीश राजा, अरे रमीश राजा का नाम भी मतलब मेरे को अब इस नाम से भी सीढ़ होने लगी है। इसको आने ही क्यों दिया इंडिया, भले उसको शौक लगा जो लगा वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो बंदा इंडिया के लिए इतना मतलब भौंक रहा था जब भारत वहां पे खेलने नहीं जा रहा था एशिया कप उस समय, अब इन्हीं को ही वीजा दे दिया। बाकी बोले वो अच्छे फ्रेंड थे पाकिस्तान के, उसको वीजा दे दिया होता तो अच्छा होता क्योंकि हम थोड़ा एंजॉय और कर पाते। और उनमें से सबसे बड़ी एक विराट कोहली की एक फैन है जिसका, जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, वो बोल रही थी ना कोहली जी वाला वीडियो बहुत वायरल हो। तो ऐसे दो तीन फैन को आपने इंडिया ने वीजा दे दिया था तो अच्छा होता, रमेश राजा को क्यों दिया। हालांकि चलो वो तो उन लोगों का लुकआउट है, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान वाला जो मैच था उसमें जो रोहित शर्मा पागल हुए थे और जो बरसाए हालांकि अफगानिस्तान भी टीम स्ट्रांग मानी जाती थी बॉलरों की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जैसे स्पिनर है वैसे स्पिनर और कोई टीम के पास नहीं, कोई किसी के पास भी नहीं है। हालांकि हम हमारे जो स्पिनर है रविंदर जाडेजा अश्विन की हम जो बात करें तो उसको हम चाहे उसकी बात नहीं कर रहे, बट बाकी टीम कोई भी टीम के अंदर ऐसा स्पिनर अफगानिस्तान के पास ऐसा किसी के पास नहीं खास। तो फिर भी अच्छा खेला रोहित जी ने, और उसके अलावा विराट कोहली भी ने भी 50 रन उसके कम्प्लीट किए, हालांकि 55 किए थे। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार मिसमैच था बिल्कुल ना, जिस तरह बैटिंग की इंडिया ने, लेकिन जो किया रोहित शर्मा ने वो तवक्को थी और अभी उनका शायद कम नहीं हुआ, अभी 201 बाकी रन गई थी वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा देखिए, जब कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा, या उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया, वो उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटीफुल तो ये बुरी बात नहीं होगी। आज की तारीख में आप रोहित शर्मा का जब खेल देखते हो उनको आप किस कैटेगरी में रखते हो, क्या वो सेम क्लास में रखते हो आप, कुछ अलग दिखाई देता है रोहित शर्मा के गेम में आपको? यार वो इंडियन क्रिकेट का इंतजाम है, ठाक है, अगर वो कप्तान ना बनते तो इनके स्कोरों की जो अंबार होता ना स्कोरों का वो बहुत ज्यादा होता है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम से रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये मैं कहूंगा कि यार वहां से निकल ही आओ बेहतर है, उनको पहले कह दो कि हम हार गए। जब से उन्होंने एज ए कैप्टन ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अग्रेशन वाला रोल प्ले करना शुरू किया और ज्यादा खतरनाक हो गए। पहले भी बहुत शानदार प्लेयर थे लेकिन अभी मैं उनको देख रहा हूँ पिछले साल के अंदर उन्होंने अपने खेलने का तरीका टोटल बदल दिया और वो अपने आप को रोकते नहीं है। रोहित शर्मा क्या खेल गया आज भाई, मतलब शर्मा जी ने तो कोई मर्सी कोई मतलब लिहाज ही नहीं किया किसी का भी आज। मुझे इसलिए वो बहुत पसंद है क्योंकि इजी तरह से वो छक्के मारते हैं, खूबसूरती का जिक्र होगा और एफर्टलेस हिटिंग का जिक्र होगा और लैंग्वेज एलिगेंस का जिक्र होगा तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। इनको किसी सिचुएशन में डाल दो, अगर रोहित शर्मा से गाड़ी छीन के आप कैसे ओपनर बैटिंग कराओ ना, नमस्कार दोस्तों, कल रात रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि उनको क्यों हिटमैन कहा जाता है और एक इनिंग्स के फेलो के बाद आप उनको राइटअप नहीं कर सकते, और जितने भी उनको हेटर्स थे जो इनको बुरा वाला कह रहे थे सोशल मीडिया पे उन सभी को कल रात रोहित शर्मा ने एक थप्पड़ जड़ दिया है उनके इनिंग्स के साथ, और जो मतलब बातें कर रहे थे उन सभी ने आज उनकी तारीफ करने पर उतर आए हैं। और पाकिस्तान में भी रोहित शर्मा की जमकर तारीफ हो रहा है, उनके जो पूर्व क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ ले लीजिए, मोहम्मद हफीज ले लीजिए, रमेश राजा, शोएब अख्तर, सभी ने रोहित शर्मा की तारीफ की है क्योंकि इस इनिंग्स जो था ये जो रोहित शर्मा की 131 की 84 बॉल में, इसको कोई तारीफ करते बिना नहीं रह सकता है। और कोई भी फ्लॉ नहीं था कल के इनिंग्स में रोहित शर्मा की, जिस तरीके से वो चौके छक्के लगा रहे थे लग तो यही रहा था कि भाई 30 साल का रोहित शर्मा खेल रहा है। और ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी जो पूर्वतन क्रिकेटर है वो रोहित शर्मा के दीवाने हैं और उनके तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। को यहां पे आज उन्होंने दिखाया कि वेट अ मिनट, आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल द हिटमैन, सो देयर यू गो। आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक विन फॉर इंडिया एंड रोहित शर्मा डेफिनेटली डेफिनेटली द स्टार। एग्जैक्टली, एंड यहां पे रोहित जो जितने उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए आज की गेम को कैसे परखते हैं आप? यार मिसमैच था बिल्कुल ना, जिस तरह बैटिंग की इंडिया ने, लेकिन जो किया रोहित शर्मा ने वो तवक्को थी और अभी उनका शायद कम नहीं हुआ, अभी 201 बाकी रन गई थी वर्ल्ड कप में।
तेज भाई यहाँ पे एक और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके हैं मेरा रोहित शर्मा हिटमैन जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं दे आर द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट 16 चौके मारे और 5 छक्के लगाए ही मेड इट लुक इजियर बट इट सर्टेनली इजंट दैट इजी राइट जब से उन्होंने एज ए कैप्टन ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अग्रेशन वाला रोल प्ले करना शुरू किया और ज्यादा खतरनाक हो गए पहले भी बहुत शानदार प्लेयर थे लेकिन अभी मैं उनको देख रहा हूँ पिछले साल के अंदर उन्होंने अपने खेलने का तरीका टोटल बदल दिया और वो अपने आप को रोकते नहीं है टेक्निकली इतने सॉलिड हैं कि उनको उनकी टेक्निक को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ एक ही एरिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर अंदर लेके आ रहा हो तो वो एक एरिया है जहां पे उनके एक वीकनेस नजर आती है अदर देन दैट ही गॉट सो मच टैलेंट उनकी जो शॉर्ट रेंज है टेक्निकली बेस के साथ टेक्निकली रेंज के साथ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से कौन स्पिनर है कौन फास्ट बॉलर है मेरा ख्याल है कि रोहित की जो इनिंग्स थी वो बहुत सी स्टेटमेंट्स को जो है उसने दी है इस अपने इनिंग्स के साथ एक तो वो इस वर्ल्ड कप के अंदर किस मोड के साथ खेलना चाहते हैं वो समझ आई क्या उनका गेन था वो इस मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे वो अपने नेट रन रेट को और बढ़ाना चाहते थे तो इनको जरूरी है कि जब वीकर साइड मिलेगी ये नहीं छोड़ेंगे किसी को भी क्योंकि ये बस हाई क्लास प्लेयर है इनको पता है मुझे कहाँ करनी है यहाँ पे 140 प्लस को इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा जैसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ भी मे बी लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं इनका रिकॉर्ड इनकी बैटिंग उसका कोई मैच ही नहीं है वन ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री के प्लेयर है इनके कोई वो ये नहीं हो गया कि स्ट्राइक रेट कम हो आज का क्या स्ट्राइक रेट आज फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी इंडिया ने अफगानिस्तान को इतने आराम से मैच मारा मेरे ख्याल में कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन जब आप इंडिया के खिलाफ 272 रन कर रहे हैं या तो पहले बैटिंग करके आपने इस वजह से टॉस जीत के बैटिंग की कि भाई बहुत जबरदस्त बैटिंग विकेट है या तो फिर इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसके खिलाफ रन तो करो अगर 272 दे रहे तो पीनट है वो तो पीनट है जो कि नजर भी आया आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार कसम से रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है ये मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है जब ये चलता है ना कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का मजा आता है टीवी के सामने से हटने का दिल नहीं करता जिस तरह ये बैकलिफ्ट इस बंदे की है जिस तरह शॉट्स खेलता है खुली डुली क्रिकेट खेलता है जिधर बॉल आती उधर छक्का मारता है और रिकॉर्ड चेक करो यार इस बंदे का 700 कर चुका है वर्ल्ड कप में आज का 100 मिला के 700 और फास्टेस्ट 100 इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट 100 उसने आज की है 131 रन की इनिंग खेली आज देखो 10,000 रन से ऊपर की एवरेज 50 का जो है वो एवरेज है स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर का है वो भाई खेलता भी तो देखो कैसे है वो तो खड़े ही होने देता किसी को जब उसके बल्ले पे बॉल आने लगती है आप ये भी तो देखो और डबल तीन तीन डबल किए हुए वनडे के अंदर तो ऐसे प्लेयर को खेल देखने का मजा आएगा या नहीं आएगा अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ ओके भाई इंडियन प्लेयर्स को देखो बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं अब रोहित शर्मा इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है ठीक है क्या वो अपने लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता उसको कौन छेड़ेगा 10,000 से ज्यादा रन किए हुए ठीक है रिकॉर्ड बना बना के वो बंदा थक गया है तो क्या वो अपने लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता लेकिन नहीं उसने टीम के लिए देखना होता है उसने टीम के लिए परफॉर्म करना होता है 36 साल का आई थिंक 35-36 ईयर्स ओल्ड हो गया अब आप देख लो वो खेलता किस तरह अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान से अगला मैच है उससे पहले ही जो रन कर दिए ना रोहित शर्मा ने ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो जाए क्योंकि रोहित शर्मा क्या खेल गया आज भाई मतलब शर्मा जी ने तो कोई मर्सी कोई मतलब लिहाज ही नहीं किया किसी का भी आज बॉलर्स अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक में आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट आज चीज़ थी रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी आई मीन यार मतलब दिस वॉज लाइक विंटेज रोहित शर्मा जो हमने देखा है 2-3 साल पहले क्या खेला है वो बंदा यार मतलब कल रिजवान ने शफीक ने भी मतलब सेंचुरियां की कुशाल ने भी सेंचुरी की लेकिन भाई आज की तो दिस वाज लाइक सैवेज फ्रॉम रोहित शर्मा शुरू के 2-3 ओवर बस वो रुका है जब फजल फारूकी ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन जहां फजल फारूकी ने फिर कोशिश करने की कोशिश की कि मतलब बॉल को अंदर स्विंग करे या थोड़ा सा जो है मतलब कहीं से उसको हेल्प मिल जाए विकेट बस फिर रोहित शर्मा शुरू हो गया भाई ईशान किशन तो मतलब बेसिकली बस दूसरे से खड़े हो गए वो देखते रहे उस वक्त तक जब तक के नबी बॉलिंग अटैक में नहीं आया वो मतलब रोहित शर्मा ही रोहित शर्मा था आई मीन इट वॉज लाइक इफ ही कंटिन्यूज विद दिस फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप तो फिर तो बुराई आया भाई और लेकिन मतलब जो अफगानिस्तान की जो टीम है वो इतनी भी ऐसी भी नहीं है कि भाई वो जो इतने आराम से वो छोड़ दे मैच को लेकिन भाई आज तो बिल्कुल ही वन साइडेड 273 का टारगेट था और इंडिया ने 2 विकेटों पे मतलब टारगेट पूरा कर दिया और 15 ओवर पहले टारगेट कर दिया और रोहित शर्मा 131 फ्रॉम 84 बॉल्स और 155 का स्ट्राइक रेट यार आई मीन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कल जहीर भाई जैसा कहते हैं ना कि ये वो बंदा है जो कि मतलब जब अपनी सब्लाइम फॉर्म में हो ना तो फिर ये बख्शना नहीं किसी को भी एंड हिज टाइमिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब पुल शॉट मेरे से अभी भी रोहित से बेहतर ये जो हीव शॉट और ये जो पुल शॉट होता है ये रोहित से बेहतर कोई नहीं खेलता यार मतलब ही सो क्विक ऐसे जल्दी पिक करता है बॉल के लेंथ को वो कि बॉलर के पास चांस ही नहीं होता बिल्कुल कि वो कुछ कर सके अफगानिस्तान ने इंडिया को टारगेट दिया 273 का जो कि इंडिया ने 35 ओवर्स में चेंज कर लिया क्या आपको नजर आ रहा है कि इंडिया कितना अग्रेसिवली खेलता जा रहा है इस वर्ल्ड कप में सर करना क्या चाह रहे हैं इससे अगला मैच हमारे साथ है उनका पाकिस्तान के साथ है तो वो करना क्या चाह रहे हैं वो तो वादा कर रहे हैं हमें बता रहे हैं
तो भाई सोच समझ के आना, क्योंकि आपकी कल हमारा श्रीलंका का साथ मैच था, हमने चेस जरूर किया लेकिन हमारी बॉलिंग किसी काम की नहीं थी, बॉलर किसी काम के नहीं थे, उन्होंने 300 इतना बड़ा टारगेट दे दिया, 339 का टारगेट का दिया, खाई हम इतने छक्के चौके लगाए, लेकिन ये अगर हमारी पानी से चली है दो प्लेयर हमारे काम कर गए, नहीं तो जैसे दो विकेट गिरी थी हम तो आउट थे। ये हमें वो बता रहे हैं कि 14 तारीख को आपका हमारे साथ मैच है, तो सोच समझ के आए जरा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया आज हमारा बैंड बाजा बजाने वाले हैं, तो इसी तरह उन्होंने बता दिया है कि आपको तकरीबन हम 400 का टारगेट तो इंडिया जो है पाकिस्तान को लाजमी, खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने देखे ना अफगानिस्तान को इतने अच्छे तरीके से उनको हराया है, उनकी समझ में नहीं आया हम करके आए, उनसे तो बॉल नहीं थी पकड़ी जा रही, बॉल वो खुद फेंक रहे थे, जा बाबा हम जाएगा, जब रोहित शर्मा ने छक्के चौके मारे हैं तो उनके तो लग गए थे समझ के भाई हम तो हार गए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के भी अब जरा मम्मी डैडी ना बन के जाए, जरा अच्छे तरीके से बन के उनके पास जाए, जरा मैच जीत के दिखाएं, चाहे वो 400 मारे 500 मारे, आपने अगर 500 मार दिया हमने 550 का टारगेट दे रहे हैं, लो भाई करो मैच तो पाकिस्तान 550 करेगा यार, उनकी जो सी करतूत है मुझे तो नहीं लगता वो 100 भी कर सके यार। पाकिस्तान टीम स्ट्रॉन्ग है लेकिन इंडिया हमारा बादशाह, मतलब पूरे क्रिकेटर का वो बादशाह इंडिया, तो वहाँ पर तो मैं कहता हूँ क्योंकि हमारी किसे खाते टीम नहीं आएगी जो उन्होंने कर दिया अफगानिस्तान के, यार कुछ भी नहीं है वो तो आपको खुद को भी पता है कि जो आम सी टीमों से वो हार रहे हैं, तो इंडिया तो फिर भी किंग ऑफ क्रिकेट है, ठीक है ना, इंडिया तो फिर भी बड़े लेवल का मतलब वो टीम है, जो आज अफगानिस्तान के साथ हुआ है ना, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान मैच छोड़कर भाग जाते हैं जितनी उनके साथ होगी है, और जो इंडिया को जो वो डंडा देने वाले ना इंडिया वाले, सॉरी पाकिस्तान को जो डंडा देने वाले ना इंडिया वाले, तो वो मैं कहता हूँ मैच खेलने ना ही जाए या वापस आ जाए, मैं तो कहता हूँ इसमें हमारी इज्जत है, तो मैं यही कहूंगा कि यार वहां से निकल ही आओ बेहतर है, उनको पहले कह दो कि हम हार गए। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी तो यही बोल रहे कि भाई पाकिस्तान खेले ही नहीं इंडिया के साथ, वही अच्छा रहेगा, भगवान कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की बारी है। और दोस्तों अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, उसमें झगड़ा भी हुआ था स्टेडियम के अंदर, हालांकि वो दोनों फैन के बीच में झगड़ा हुआ था, अफगानिस्तान फैन और भारत के फैन के बीच में, हालांकि फिर विराट कोहली ने तो कुछ इशारा किया और झगड़ा शांत हो गया, तो इतनी तो वैल्यू है भाई विराट कोहली की, एक इशारे पे मतलब झगड़ा भी शांत करवा सकते हैं, लेकिन जो झगड़ा था और जो बातें चल रही है वो ये थी कि जो अफगानिस्तान के एक बॉलर है नवीद उल हक करके, और उसका कुछ विराट के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पहले के मैचों से, तो उस हिसाब से मतलब खास कर जब उसमें मेरे को सबसे बड़ी सबसे जो बुरा लगा वो ये बुरा लगा था मेरे को, खुद को पर्सनली बोल रहा हूँ, और फैन जो है कोई तो आप उसका बुरा मत लगाना, क्योंकि विराट कोहली भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूँ, कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जब मैच था और उस समय नवीन उल हक जब बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग भर रहे मतलब फील्डिंग कर रहे थे, तभी जो हमारे एक विराट के जो फैन थे भारत के फैन थे उसको उसने अच्छे से तंग किया था। तो देखो ये करना मेरे हिसाब से मेरे को ये सही नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो अभी हमारे देश के मेहमान है, कहीं बाहर मैच खेला जाता था गया होता और वहां पे आपने कुछ ऐसा किया होता तो एक चलो समझ में आता था कि एक फैन की वजह से आपने लोगों ने किया है, लेकिन अभी ये हमारे देश के मेहमान है और हमारे देश की जो मेहमान गति है और हम जिस हिसाब से मेहमान को भगवान मानते हैं तो वो मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप फैन है, हम भी विराट के फैन है, हम पूरी टीम के भी फैन है, तो ये करना सही नहीं था। और लास्ट में जब भारत और अफगानिस्तान का मैच था तभी विराट ने मतलब ये झगड़ा शांत करवाया था, और ड्यूरिंग क्रिकेट ड्यूरिंग मैच जब चालू था तभी ये हुआ था, और दोनों गले मिले लाइक विराट एंड नवीन हक दोनों गले मिले और विराट ने अच्छे से स्माइल देके सब कुछ खत्म किया है। तो भाई उन लोगों को वो भी प्लेयर है, वो खेलदिली है, तो यार ये सब कुछ करना मेरे हिसाब से सही नहीं था, लेकिन जो भी है भाई फैन फैन होते हैं, फैन कुछ भी करते हैं, उसमें हमको कुछ नहीं किया, लेकिन पर्सनली मेरे को वो बांग्लादेश वाला जब मैच था अफगानिस्तान के साथ तब जिस हिसाब से नवीन के साथ किया गया वो थोड़ा मेरे को गलत लगा था, वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे मेहमान है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहता आपको। और दोस्तों वीडियो कैसी आपको लगी है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, और भारत अफगानिस्तान का आपने मैच देखा है और रोहित शर्मा की आपने बैटिंग देखी है तो आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट में लिखना, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की वो काबिले तारीफ थी। उसका रीजन मैं यही बोलूंगा कि जितने भी जो बैट्समैन होते हैं ना वो उसके 100 करते हैं तो उसमें बहुत उस मेहनत करते हुए दिखते हैं हमें, लेकिन आराम से उसने 100+ रन किए और खड़े खड़े सिक्स मारी, वो भी एक सही। और वो कप्तान
और रोहित शर्मा, हाँ जब कप्तान नहीं थे उस समय रोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया खेलते थे, और जैसे कप्तान बने तो थोड़े कम खेलने लगे। उसका रीजन सबको मालूम है कि कप्तान होता है तो उसके ऊपर पूरी टीम का देखना होता है, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रेशर होता है, टेंशन होता है, क्योंकि उस कप्तान को ही सब कुछ करना होता है कि मतलब टॉस के पहले मतलब पूरी टीम है, कौन किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको कब भेजना है, सब कुछ उसको बनाना पड़ता है कप्तान को। तो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर होता है तो कम खेल पाते हैं। लेकिन जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था तभी मैंने खुद ने वैसा बोला था कि रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मैं काबिलियत की बात नहीं कर रहा था, वो इसीलिए क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहे हैं तो कप्तान बना के और हम क्यों प्रेशर डाले, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है, जैसे विराट कोहली जब आए थे तब स्टार्टिंग में जो खेलते थे वो लाजवाब था, बट वो भी जब कप्तान बने तो वो भी थोड़े डाउन, तो कप्तान के ऊपर प्रेशर आता है। तो कोई बात नहीं, कप्तान भी अभी बढ़िया है और खेल भी बढ़िया रहे इस वर्ल्ड कप में। हम श्योर है कि इस बार रोहित शर्मा जो है पूरी टीम के साथ जो वर्ल्ड कप है उसको उठा के लाएंगे, जो कि हालांकि भारत में ही हो, भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के बारे में, हाँ बिल्कुल, आप यदि रोहित शर्मा के फैन है तो कमेंट में रोहित शर्मा के बारे में अच्छी कमेंट एक प्यार से जरूर कर देना, और दूसरे हमारे लाड दुलारे विराट कोहली के बारे में कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।